अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक सास। सास का लफ्ज़ सुनते ही ना मैं कहती हूँ कुछ लोग जो कुछ वुमेन, मेरे ख्याल से कुछ में से 100% में से एक या दो औरतें ऐसी होंगी जो कहती होंगी कि हमारी सास अच्छी है, नहीं तो बाकी मैंने सबके मुंह से यही सुना है कि हमारी सास नहीं अच्छी, जुल्म करती है, ये करती हैं, वो करती हैं। आज मैं इस वीडियो में कुछ बातें जो हैं सास के हक़ में भी करूंगी, बट कुछ बातें जो हैं आप लोगों को शायद बुरी लगें कि नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी सास नहीं है आप इसलिए ऐसा कह रही हैं, लेकिन शायद अगर मेरी सास होती तो मैं यही कहती हूँ कि अपने हस्बैंड को भी मैं यही बोलती हूँ कि अगर वो होती तो मुझे यकीन था कि शायद मेरी उनसे बन जानी थी क्योंकि वो काफ़ी मैंने सुना है कि सख्ती थी। बट मेरे में एक आदत है कि मैं काम से नहीं भागती, कि माने मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मुझे किचन को साफ करना बहुत पसंद है, मुझे घर की सफाई करना बहुत पसंद है। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं। अब हमारी सोसाइटी में क्या है कि जब शादी होकर जब जाती है ससुराल में लड़की, तो वो उसके माइंड में ये होता है कि मैं वहाँ पे इतने काम नहीं करूँगी। और अगर कोई काम कह भी देती हैं, अगर आपकी सास वगैरह कोई काम आपको कह देती हैं, तो क्या होता है कि हमारी भाई मैं तो इस घर में दुल्हन हूँ, तो मतलब मुझे कह दिया है तो मैं एक किस्म की कोई काम वाली हूँ जो मुझे काम करने के लिए कह दिया। ये चीज़ एक बहुत होती है। हर चीज़ को देखें, बात हमारी सिर्फ सोच की होती है। अगर आपको किसी काम का कह दिया गया है तो आपकी, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप ये सोचेंगी कि जाहिर है मेरा घर है तो मुझे ही काम करना पड़ेगा, तो अच्छा है ठीक है मैं काम कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपके जहन में आएगा कि यार मैं कोई इस घर की काम वाली हूँ जो मैं काम करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, अपनी सोच पॉजिटिव रखें, ठीक है। एक पहला नंबर जो है अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव सोच भी रही है तो उसको दरगुजर करें, बोले नहीं नेगेटिव नहीं मैंने पॉजिटिव सोचना है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसको नेगेटिव तरीके से भी देखा जाता है, उसको पॉजिटिव तरीके से, और आपने उसको पॉजिटिव तरीके से देखना है, आपने उसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना। इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास सेकेंड नंबर पर, देखें एक औरत होती है 30-40 साल से वो उस घर में रह रही है, बना रही है, आपको आए हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ और आप कह रही हैं कि जी मुझे इस घर की मालकिन बना दिया जाए। तकलीफ़ होती है एक चीज़ को, हम अपने बेटे को ही बड़ा करके इतना मतलब पालते हैं, बड़ा करते हैं, इतनी प्यार मोहब्बत करते हैं और उससे उसकी शादी कर देते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि यार हमारी बेटी बेटी को ले ले कि यानी उसको हमने किसी दूसरे के घर भेज देते हैं, कितनी तकलीफ़ होती है, कितना रोना आता है ना। तो मतलब इसी तरह जिस तरह हमें इंसानों से मोहब्बत होती है, तो इसी तरह हमारा जब वक्त गुजरता रहता है तो हमें चीज़ों से, हमें जगह से, हमें उस माहौल से भी मोहब्बत होना स्टार्ट हो जाती है। यकीन माने ऐसे ही होता है, हम आदी हो जाते हैं, हम एक किस्म के हमें लगता है कि उस माहौल पे सिर्फ हमारा हक है और किसी का हक हो ही नहीं सकता उस माहौल पे, वो जगह पे सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं हो सकता। और आपकी सास की भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होती है कि वो कहती हैं कि सिर्फ मेरा हक है, ठीक है आप इस किचन में काम कर लो लेकिन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इस किचन में काम करना है। ऐसा ही होता है जॉइंट फैमिली में, सास के साथ रह रही हो, नंदों के साथ रह रही हो, ये जॉइंट फैमिली ही होती है आपकी, देवर है, देवरानियाँ हैं, ये आपकी जॉइंट फैमिली होती है। और सबसे बड़ा इशू यही होता है जॉइंट फैमिली में, किचन से जो है आपके मसले मसाइल जो होते हैं वो शुरू होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यानी अगर मसले ख़त्म करने हैं तो मसले ख़त्म करने का एक बेसिक हल यही है कि आप इनका किचन अलहदा कर दें। और मेरे ख्याल से ये जो आजकल की मदर बन रही हैं, ठीक है, उनका क्या होता है कि उनका जहन जैसे लाइक मैं हूँ, मेरे माशाल्लाह से तीन बेटे हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि कल को जब मेरी बहुएं आएंगी तो मैं उनको अलग किचन दूंगी, उनका उनको सेपरेट ही करूँगी शुरू से, मैंने किसी को इकट्ठा लाना ही नहीं है। ये जो सास होती है ना, मोस्टली आपको पता है ये चीज़ क्या होती है, मतलब ये जो गुस्सा आप पे निकल रहा होता है या जो आपको तंज हो रहे होते हैं, ये खुद इस सिचुएशन से गुजरी होती हैं। और फिर क्या हो रहा होता है, ये फिर आगे जो है अपने बेटे की बहू को सेम वही चीज़ जो है कर रही होती हैं। इनका कहना होता है कि जी आग में तपके ही जो होता है ना वो कुंदन, कह लें कि वो एक मज़बूत बनते हैं। औरत औरत को मज़बूत बनने के लिए सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बकौल इनके, जो हमारी ओल्ड सास हैं उनके बकौल,
लेकिन कुछ सास जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत चिल सास होती हैं कह लें उन्हें, कि यानी वो अपनी बीवी बेगम वो सॉरी बहू को इतना अप्रिशिएट करती हैं, उनका इतना साथ देती हैं, बात बात पे उनका साथ दे रही होती हैं, उनको अप्रिशिएट कर रही होती हैं, उनको बेटियों की तरह रखा होता है। ठीक है, मतलब हर हर रिश्ते की एक वैल्यू होती है, लेकिन मैंने कुछ मायके भी ऐसे देखे हैं जहाँ पे बेटियों से ज़्यादा बहुओं को इतना सर पे चढ़ाया होता है, बहुओं को वैल्यू दी जाती है और बेटियों को पैरों की जूती समझा जाता है। ये भी होता है काम, हर हर रिश्ते की अपनी एक वैल्यू होती है। इसी तरह सास और बहू के रिश्ते में भी एक जो है कह लें कि ये जो रिश्ता बनाया हुआ है ना सास बहू का, ये माँ बेटी का रिश्ता नहीं है और इसको माँ बेटी का बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब आके लड़कियाँ उस सास के अंदर अपनी माँ ढूंढने लग जाती हैं। आपने कभी अपने शौहर में अपना भाई ढूंढा है? अपनी नंद में तो अपनी बहन ढूंढ रहे हो, ठीक है, अपनी सास में अपनी माँ ढूंढ रहे हो, ससुर में अपना अब्बा ढूंढ रहे हो, तो भाई शौहर में कभी और देवर में अपना भाई देख रहे हो? देखिए ये रिश्ते बहन भाई माँ बाप ये आप छोड़ आए हैं, ये एक ही होते हैं, ये रिश्ते एक ही होते हैं, हर किसी को मुंह उठा के नहीं बनाया जाता। अब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, हर कोई हमारा भाई होता है लेकिन वो हकीकी भाई तो नहीं होते ना, ना महरम होते ना हमारे लिए। तो सास का कुछ यही हिसाब होता है कि वो सास ही होती है, उसको कभी भी जो हम बनाए बैठे होते हैं ना जी अपनी अम्मी अपनी माँ वाले जो हैं, हम उससे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे होते हैं कि जो हमारी माँ ने हमारे साथ किया आगे हमारी सास भी हमारे वैसे ही नखरे उठाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर तो आप उसको अपनी माँ बना रहे हो तो इस हवाले से तो आपका शौहर जो है वो भाई हुआ, हाँ हकीकत है। तो मतलब मैं कहती हूँ जो लड़कियाँ आके कहती हैं कि जी ये सास इसमें हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, वो बड़ी मैं कहती हूँ उनकी सोच बड़ी गलत होती है। सास को सास के रिश्ते की तरह देखें, इस रिश्ते में माँ वाली गुंजाइश मेरे ख़्याल से नहीं होती। हाँ एक प्यार मोहब्बत होता है, एक एहसास होता है कि एक बुज़ुर्गी का एक देखिए इस्लाम में भी जो है सास ससुर की खिदमत करना बहू पे तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन एक हम क्यों करते हैं औरतें जो लेडीज़ हैं वो क्यों करती हैं, वो सिर्फ इसलिए करती हैं कि एक अखलाक होता है, एक इंसानियत के नाते की जाती है ना। या आप अपने हस्बैंड की वजह से कर रहे होते हैं अपने माँ बाप की खिदमत कि यार मैं अपने हस्बैंड की वजह से कर रही हूँ, ऐसे ही होता है। तो यानी हर चीज़ का एक कह दें कि वो तो ऐसे ही जो है ना कुदरत ने नहीं बनाया हुआ। अगर हम उस रिश्ते को या उस चीज़ को उससे ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे या कुछ और समझने लग जाएंगे ना, तो फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अब जब एक औरत को आप अपनी माँ समझ रहे हैं तो ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशंस भी आपकी इतनी हाई होंगी ना अपनी मदर की तरह। तो कभी भी मैं यही कहूँगी कि इन रिश्तों को वैसे ही रखें। अगर आपकी सास है और आपको लगता है कि यार मतलब वो मेरे साथ ठीक नहीं है या मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, तंज करती हैं, तो यही है कितने साल हो गए हैं आप उनके तंज आप उनका टॉर्चर बर्दाश्त करें। इसमें गलती होती है मेन आपके हस्बैंड की, यानी अगर वही आपका साथ नहीं दे रहे या वही आपके साथ नहीं खड़े तो मतलब फिर इसमें तीसरा इंसान कुछ कर नहीं सकता। और हमारी सोसाइटी में जी औरतें छोड़ के हस्बैंड को सास और नंदों के पीछे लगी होती हैं कि ये ठीक हो जाए इनको निकालने पे, उसके चक्करों में वो बेचारे जो है ना हस्बैंड को भी गवा बैठती हैं, ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को जो है कोशिश करें कि अपना बनाएं, अपने हस्बैंड के दिल में अपना एतमाद पैदा करें, छोड़ दें सास नंदों के किस्से थोड़ी देर के लिए ना साइड पर रख दें। जिस दिन आपके हस्बैंड आपके हो गए उस दिन आपकी नंद उस दिन आपकी सास आपके साथ ठीक हो जाएंगी, उस दिन सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी सास को डील करने का एक बेस्ट तरीका यही होता है कि पहली बात है उससे माँ वाली एक्सपेक्टेशंस तो लगाना छोड़ो है, ठीक है। अगर वो आपको कुछ कह भी देती हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मेरे साथ नरम भी हैं, सब तो हैं ही हैं लेकिन नरम भी हैं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है बात को। उनकी पॉजिटिव चीज़ देख लें, जब आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उनकी वो पॉजिटिव वाली चीज़ देख लें, पॉजिटिव रवैया देख लें। तो जी ये था छोटा सा आज ब्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लाजमी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कैसी लगी मेरी बातें, और बाकी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आजकल आप लोगों का प्यार थोड़ा सा कम हो रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मुझे फ़ील हो रहा है, और ये प्यार कम नहीं होना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए। और बाकी ये है कि दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और
कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, आप लोग कमेंट्स कर नहीं कर रहे। आजकल मुझे बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं जिसकी आप लोगों से मुझे शिकायत है। कमेंट्स भी कम आ रहे हैं और उसके अलावा आप लोगों का प्यार भी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो प्यार जो है अपना कम होने ना दें, ऐसे ही प्यार मुझे करते रहें। और बाकी ये कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी दिन मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।